लेकिन आपको यह ध्यान देना है, जब भी आप बाकी करते हैं तो आप
इसमें से लाइनें बनी हुई है डब्बे, क्योंकि दूसरी तरफ बच्चे ऐसी कॉपी का प्रयोग करते हैं। सेकंड में मैंने यहां पर 6 8 7 3 2 1, अब ये डब्बा आपको छोड़ना है, आप छोटी सी बड़ी लाइन आप कर सकते हैं और ध्यान रखना आपको बाकी का नुकसान। इसी प्रकार 9 7 6 3 2 1 संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपको यह ध्यान देना है कि जो भी संख्या दी हुई है आपको उसको सरल करना है। कैसे सरल करते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, घटाने कितना है 3 1 2 3, पीछे कितने बचे 3। इसी प्रकार ये कितने हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8, घटाने कितना है 2 1 2 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं 7 1 2 3 4 5 6 7, घटाने कितना है 1 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हम बाकी कर सकते हैं। इसी प्रकार ये दूसरी बाकी है, ये कितने हैं 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घटाने कितने हैं 1, तो पीछे का बचा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आपको यहां लिखना है, आपको लिखना है यहां, क्योंकि ये मतलब ना आप क्या करते हैं, तो छोटे लिख सकते हैं कितने हैं या बड़े लिख सकते हैं, दोनों मिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार ये कितने हैं 7 1 2 3 4 5 6 7, घटाने कितने हैं 2 1 2 1 2 3 4 5, ये कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6, घटाने कितने हैं 3 1 2 3, पीछे कितना बचा 3, ये 3। इस प्रकार हम संख्याओं को घटा सकते हैं, लेकिन आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जब कभी भी आप चाहे जोड़ करते हैं या बाकी करते हैं तो संख्या को देखना है कि संख्या कितनी घटानी है कितनी नहीं घटानी। जोड़ आती है तो हमें जोड़ना है और बाकी है तो उसको कम करना है, ठीक है। तो आसानी से हम आराम से सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि अंगुलियों का प्रयोग जब तक 5 संख्या हो तब आप करना है, बाकी नहीं करना है। 6 संख्या 7 संख्या 8 9 संख्या हो तो आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार हम आसानी से कोई भी बाकी कर सकते हैं, लेकिन वो भी लाइन खींच खींच कर। इस प्रकार हम बिना हासिल की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया और हमने आसानी से बाकी सीखी। धन्यवाद।